खेड़ा लेन बोट देनो है हाँ बात मैं ठोक के कह के जाऊं सुन दो बैर सुन दो बना कार्य करता बापूजी कह दियो बलवान लूं तो गाल एक देर है वो एक दिन तारीख नो वापिस ले गो और अब 25 तारीख में बोट पड़ेगा और 3 तारीख में गल्ले गल्ले है वो 9:30 बजे अब क्या रवाना भाई जी 9 बजे अबे जितनी जनता की तरफ से आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप जब राजस्थान का परिणाम देखने शुरू होंगे तो 9 बजे ही टेलीविजन में पट्टी चलेगी भाजपा से बलवान पुनिया आके क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम जो 2014 के बाद 2004 के बाद बेटा बेटी आपके नौकरी लगे थे भाई बहन नौकरी लगे थे उनके लिए पुरानी पेंशन की स्कीम हमने लागू करवाई है वो कर्मचारी भाई आज अपना एहसान चुकाने के लिए बेल्ट पर वोट देंगे हमें जो उनको पोस्टल वोट जारी हुआ है हमें वोट देंगे मुझे पक्का विश्वास है मुझे ही जनता पर इतना भारी विश्वास है जिसकी वजह से मैं विधानसभा पहुंच पाया हूं और मैं इतनी मजबूती से इस विश्वास के साथ ही आपके यहाँ आया था इलाहाबाद में कि मैं जनता से जाकर के गुहार करूंगा अगर काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देने वाला आदमी नहीं जीता तो फिर हमारा बर्बादी सुनिश्चित है मैं गांव गांव के गया था पगड़ी संभाल बेटा पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल तेरा लुट गया माल किसान ने हमारी पाग और पगड़ी की बात रखी पेट की लड़ाई को मजबूत करा एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ गांधी के लोगों से कतई मत डरना वो जो ये कहता है कि मेरा आपकी बार अलग ही रूप देखोगे मैं कहना चाहता हूँ वो तो डराना चाहता है कि मैं अबकी बार तीसरी बार जीत गया तो फण फण के खड़ा हो जाऊंगा हमने तो फड़ी कुचले साहब हमें तो हुनर एक ही आता है फण कुचलने का दूसरा कोई हुनर हमें आता ही नहीं हम आपकी तरह इतने राजनीतिक नहीं है बाबूजी कि गहलोत साहब की सरकार गिर रही थी हमने सरकार बचाई तो कोई सौदेबाजी करते हमने तो इलाके की जनता के काम के लिए 4 काम हो गए हम उससे राजी हैं हम तो भाजपा की उस साजिश का शिकार गहलोत साहब की सरकार को होने नहीं देना चाहते थे अगर मेरी जगह आप जैसे लोग होते तो पता नहीं आप बिक जाते और सरकार गिर जाती मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो लोग आज भी बड़ी मजबूती के साथ मेरे लगे हुए हैं आपको और तेजी के साथ और ताकत के साथ मुकाबला करना है उनके कार्यकर्ता मत से कहते हैं कि कोई बूथ जिताएगा भाजपा का तो 11,000 रुपए इनाम देंगे मैं कहना चाहता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 1,600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया है तुम जिस 11,000 रुपए की बूथ पर बोली लगाना चाहते हो उतने तो हमारे एक एक ताऊ के पैसे बैंक में निकालते वक्त खाते में रह गए गोरी नहीं गिरी गई या कोई न रुकेगा या न कोई झुकेगा या तो मजबूती के साथ रण होगा और रण में मजबूती के साथ लड़ेंगे और मैं कहना चाहता हूँ नादान तू ये मत समझ लेना कि बलवान पूनिया महाभारत का अभिमन्यु है मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूँ मैं आज भी भादरा के महाभारत का अर्जुन हूँ तेरी छाती में तीर दूंगा सपस कहना चाहता हूँ पिछले 5 साल एक एक आदमी को जर्रे जर्रे को चप्पे चप्पे को मैंने सुना है मैं उसके पास बैठा हूँ मैंने उसकी बात विधानसभा में करी है उसके व्यक्तिगत काम भी कराए उसके सार्वजनिक काम भी कराए 1,500 करोड़ रुपए बजट और 1,600 करोड़ रुपए फसल बीमा के लिए मैं इस तहसील में लेके आया हूँ आप सब साथियों ने मेरा स्वागत करा 22 तारीख की रैली है पटवा रोड पर उस रैली में पूरे दलबल के साथ आना है हाथ खड़े करके समर्थन करो उस रैली में सारे आओगे माता बहन भी आएंगे और अभी सारे साथी 25 तारीख को जाती है थोड़ा सितारे का बटन दबाए अभी यहाँ से सारे साथी जो आए हुए हैं और गांधी के साथी उनको भी न्योता देता हूँ मलखेड़ा में जनसभा है सारे साथी मलखेड़ा और निर्माण चलेंगे पहले मलखेड़ा में जनसभा है मलखेड़ा में सीधा भाई पर भादरा बार बार फिरनी है मलखेड़ा में दूसरे फिरनी फिरनी से होते हुए स्कूल के पास से होते हुए मलखेड़ा के मेन फंसे से गुजरा है सारे साथी मलखेड़ा चलेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह अधिकार के साथियों का भी धन्यवाद मेरे तमाम जनप्रतिनिधि साथियों का धन्यवाद गांधी गांव का धन्यवाद भीम आर्मी के साथियों का धन्यवाद बलवान पुनिया युद्ध ब्रिगेड के साथियों का भी धन्यवाद माता और बहनों का भी धन्यवाद आपने ऐसा शानदार आयोजन करा इस बात के लिए आप सब साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद थैंक यू रविंद्र धनगंज पति अभय सिंह चौटाला का स्वागत करेंगे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ साथियों साथी बलवान पुनिया ने जो बात बताई है मलखेड़ा में एंट्री करते ही बाईपास की तरफ से गांव के लोग स्वागत के लिए खड़े हैं जो जो साथी हैं उनसे जो उतरे बाईपास होते हुए भी खड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंद कर दे माइक में बंद कर दे
बड़ा करने टाइम को मिली इतना।